अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो रही है। इसमें चोटिल सूर्यकुमार यादव नहीं खेलेंगे। सूर्यकुमार साउथ अफ्रीका दौरे पर टकने में चोट लग गई थी। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से T20 की घरेलू सीरीज शुरू हो रही है। इसमें चोटिल सूर्यकुमार यादव नहीं खेलते नजर आएंगे। सूर्यकुमार यादव को साउथ अफ्रीका दौरे पर टकने में चोट लग गई। अफगानिस्तान सीरीज में उनके चोट से उबरने की संभावनाएं जो है वो बहुत कम है। सूर्यकुमार बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब कर रहे हैं। वहीं वर्ल्ड कप में चोटिल होकर बाहर हुए हार्दिक पांड्या के खेलने पर भी संशय बना है और ईशान किशन सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत को जनवरी में 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। पहला T20 मैच 11 जनवरी को मोहाली में होगा, दूसरा T20 14 जनवरी को इंदौर में और तीसरा मैच जो है वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें मैदान से जाना पड़ा बाहर। उनके ग्राउंड से बाहर जाने के बाद उपकप्तान रविंद्र जडेजा ने टीम की कप्तानी संभाली, जहां इस मैच में सूर्या ने T20 का अपना चौथा शतक भी जड़ा था, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 3 T20 मैच की सीरीज को बराबर किया था। सूर्या का पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका से लौटने पर स्कैन भी हुआ था, जिसमें पता चला है कि उनके टखने में चोट है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सूर्यकुमार यादव फरवरी के पहले सप्ताह तक फिट हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि सूर्या IPL से पहले फरवरी में होने वाले घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में खेलकर अपनी फिटनेस को साबित करें। वहीं हार्दिक वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए उस मुकाबले में चोटिल हो गए। मैच के 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनका टखना मुड़ गया, वे क्रीज पर ही बैठ गए थे। चोट ज्यादा होने की वजह से वे बाकी का मैच नहीं खेल पाए। उनका ओवर भी विराट कोहली ने पूरा किया था। वहीं BCCI सूत्रों ने बताया कि हार्दिक के भी अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले ठीक होने की संभावना कम नजर आती है। हालांकि उनके चोट को लेकर BCCI की ओर से अभी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। साउथ अफ्रीका दौरे के बीच में निजी कारणों से छोड़ने वाले विकेटकीपर ईशान किशन के भी अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर रहने की संभावनाएं हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर ईशान T20 और टेस्ट टीम का हिस्सा थे। ईशान ने T20 के बाद निजी कारणों से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। माना यही जा रहा है कि ईशान 1 साल से टीम के साथ घर से बाहर रह रहे हैं। ऐसे में कुछ दिनों क्रिकेट से दूर जाकर अपने को मानसिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ जितेश शर्मा T20 सीरीज में टीम में शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान टीम के खिलाफ जो T20 सीरीज खेली जानी है, उससे पहले टीम इंडिया को 2 बड़े झटके तो लग गए हैं। एक सूर्यकुमार यादव जो कि अपनी चोट से उभर रहे हैं, तो वो दूसरी ओर हार्दिक पांड्या जो कि लंबे समय से क्रिकेट से बाहर हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।